फंडा हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड एंड इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ऑब्वियसली कहीं ना कहीं क्लियर हो चुका है। अब इसको अप्लाई करना है कि कैसे क्वेश्चन आएंगे सर और किस तरीके से हमने हैंडल करने हैं। टाइप वन की प्रॉब्लम मैं आज डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में, जिससे ओवरऑल एक कंसेप्ट आपके दिमाग में चला जाए और आगे की जर्नी आपकी बहुत ईजी हो जाए, ठीक है ना। कम ऑन, देखो सबसे पहले अभी अभी हमने सीखा है भाई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में कि हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसको बोला है, ठीक है। तो हम इसको डिनोट कर रहे हैं आई से, एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी पार्टिकल के लिए हम लिखते हैं उसका मास और उसकी डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब सर कैसे, अगर हमारे पास ये एक एक्सिस है और एक पार्टिकल हमारे पास यहाँ पे कहीं है जिसका मास m है, तो इस एक्सिस के अबाउट अगर ये घूमना चाहता है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट अगर ये ऐसे घूमना चाहता है, तो इस एक्सिस से हमें इसकी डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही लेनी है हमेशा। दिस आर फ्रॉम द एक्सिस टू द मास मस्ट बी परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के एंगल एक्सिस पे बनना चाहिए उस डिस्टेंस के थ्रू, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि इस पार्टिकल का घूमना, रोटेट करना अबाउट दिस एक्सिस है ना, उसके लिए जो फोर्स आप लगा रहे हो, जो एफर्ट आप कर रहे हो, क्योंकि इसके अंदर खुद की एबिलिटी नहीं है कि ये रोटेट कर जाएगा, उसकी इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्सिया। तो ये रहा मोमेंट ऑफ इनर्सिया, यानी उस मास into the product of the square of the distance from the axis of rotation, and the most important point, this distance should be perpendicular. बस ये याद रखना है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बन गया फॉर्मूला स्टैंडर्ड वे में। अगर बहुत सारे पार्टिकल है तो अभी सीखा है हमने सबका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंडिविजुअल निकालेंगे और टोटल निकालने के लिए उसको एड अप कर देंगे। मेन पॉइंट क्या है कि ये डिस्टेंस एक्सिस से हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए। डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, बस ये मेन पॉइंट है इसका, क्लियर। अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्वियसली मास पे डिपेंड कर रहा है। देखो मास पे डिपेंड कर रहा है ना, डिपेंडेंसी देखो उसकी, डिपेंडेंसी किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, डिस्टेंस पे, और मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा मतलब शेप एंड साइज जो होगा उसका, ठीक है, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, ठीक है, मास डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप ऑफ द मास ऑफ, टाइप ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन, ऑब्वियसली एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये फैक्टर आप याद रखेंगे, ठीक है, किस किस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका डिपेंड कर रहा है। और ऑब्वियसली ये एक स्केलर क्वांटिटी मानी गई है, स्केलर क्वांटिटी आप देख सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट की अगर आप बात करोगे तो यूनिट तो आप यहीं से निकाल सकते हो, केजी मीटर स्क्वायर, सीधे सी बात है वो, ठीक है। तो कोई पंगेज नहीं है इसमें, तो कोई पंगेज नहीं है। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि हाउ वी कैन अप्लाई द कंसेप्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, क्लियर, लेट्स सी। तो देखो बॉस, सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, बेसिक सा उसी। देखो जितने भी एग्जाम्पल मैं यहां लूंगा ना, मैं बस पूरी कोशिश करूंगा कि आप इस कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करोगे। जैसे आपके सामने फिर किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल आ जाएगा, कहीं से भी, किसी भी नोट से, किसी भी बुक से, वो आप सॉल्व कर सकते हो। मेन होता है कंसेप्ट का अप्रोच सीखना, ठीक है। चलो कम ऑन, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर वन, ओके, लेट्स सी गाइस। उसने बोला कि एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसके आसपास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। लेट्स सी, यहाँ पे एक पार्टिकल है 1 kg और यहाँ पे एक पार्टिकल है 2 kg, ठीक है, यहाँ पे एक पार्टिकल है 3 kg, ठीक है, एक पार्टिकल इसी के ऊपर रखा है 4 kg, ऐसे है, ठीक है, अब ऐसे है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ये जो 1 kg का पार्टिकल है, सपोज करो इसकी जो डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है 2 cm, 3 मान लो आप इसको, और इसकी डिस्टेंस दे रखी है यहाँ से वो दे रखी है 3 cm, इसकी डिस्टेंस दे रखी है यहाँ से 1 cm, और ये जो 4 kg का पार्टिकल है ये ऑलरेडी एक्सिस के ऊपर है, तो इसकी डिस्टेंस तो हो जाएगी 0, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सिस पे है। और हमने रोटेशन मोशन में अभी सीखा था कि अगर कोई पार्टिकल एक्सिस पे होगा इटसेल्फ, एक्सिस पे, तो उसका रोटेशन नहीं होगा, ठीक है, वो रेस्ट पे हो जाएगा, ठीक है, वो रेस्ट पे माना जाएगा। सिंपल, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑटोमेटिकली 0 होगा, क्योंकि वो खुद एक्सिस पे है, जिसके अबाउट घूमना है, तो उसकी डिस्टेंस 0 है, लॉजिक इज दैट। तो यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन मैंने क्यों बनाया, क्योंकि यह अंडरस्टूड है कि इस पार्टिकल की डिस्टेंस ऑलरेडी परपेंडिकुलर है 3 cm, इसकी डिस्टेंस ऑलरेडी 2 मानो, उसको 2, उसको 3 माना है तो उसको 2 मान लो, ठीक है, ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, यही बात पे ध्यान देना है, इसकी ऑलरेडी परपेंडिकुलर है और ये तो एक्सिस पे ही है। तो आपसे पूछेगा फाइंड टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल सिस्टम। यहां पे हम बात कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऐसा सिस्टम जिसमें पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल सिस्टम, ध्यान से समझना, पार्टिकल होंगे, पार्टिकल की बात कर रहा हूं मैं, रिजिड पूरी बॉडी की, यूनिफॉर्म बॉडी की बात नहीं कर रहा हूं फिलहाल, कोई एक डेफिनेट शेप ऑफ बॉडी की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास वाला केस नहीं ले रहा हूं, पार्टिकल की बात कर रहा हूं,
पार्टिकल्स मतलब जिनके पास मास है लेकिन साइज बहुत कम है, छोटा सा प्यारा सा, ठीक है, कूल। तो अब ये सारे पार्टिकल मिलके इसके अबाउट घूम रहे होंगे, तो बताओ इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो क्या करना है सर, आई टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल सिस्टम वी कैन कैलकुलेट फर्स्ट पार्टिकल का प्लस सेकेंड का प्लस थर्ड का प्लस फोर का, फोर ही है ना, फोर तक ही ऐड करेंगे बस, और भी होते तो आगे ऐड करते, सीखा था ना हमने अभी, हमने और भी होंगे तो आगे तक ऐड कर देंगे, नो प्रॉब्लम। आ जाओ भाई पहले पार्टिकल को देखो, उसका मास ये रहा, इसको मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नाम के अकॉर्डिंग, मास का फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला काबिल का हमने एम आर स्क्वायर, तो इसका मास है वन इंटू उसकी डिस्टेंस है थ्री, थ्री का स्क्वायर ले लो सेंटीमीटर में आए, प्लस आई टू यानी सेकेंड वाला पार्टिकल किसको माना है आपने, इसको, तो उसको मान लो टू उसकी डिस्टेंस है बॉस वन, वन का स्क्वायर प्लस थ्री, थ्री वाला ये रहा उसका मास है थ्री इंटू डिस्टेंस है टू का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस फोर वाले का मास उसकी डिस्टेंस तो जीरो है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जीरो हो जाएगा। तो आप देख सकते हो नाइन प्लस टू प्लस ट्वेल्व प्लस जीरो, ठीक है, तो ये बन गया आपके पास इलेवन यानी ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी थ्री, और यहाँ पे आप लिखोगे के जी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है ना, सेंटीमीटर में दे रखी है, सो दिस इज, है ना, वो डिपेंड करेगा, आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो सेंटीमीटर को, नो प्रॉब्लम, मीटर में बदल सकते हो आप इसको, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 23 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 4 के जी मीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि सेंटीमीटर 10 स्क्वायर माइनस 2 ही होता है, सो दिस इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होल पार्टिकल सिस्टम, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी अप्लाई करना सीख रहे हो, धीरे धीरे कंसेप्ट भी बिल्ड हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ना कि हर पार्टिकल के डिस्टेंस एक्सिस से परपेंडिकुलर लेनी है, नहीं दे रखी है तो परपेंडिकुलर कैलकुलेट करनी है।